हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीमी इंफो। आज हम सीखेंगे कि बायोस को, मदरबोर्ड के बायोस को कैसे रीप्रोग्राम किया जाता है। और मेरे पास एक असुस का मदरबोर्ड है जिसका मॉडल नंबर है, देख सकते हो आप, P5KPL/CM। इसका रिविजन 2.0 है। तो इस बोर्ड का बायस का इशू है। तो टॉपिक आज का है बायस को कैसे हम रीप्रोग्राम करेंगे। और इसका हैशटैग देख के तो पता चल गया है, जो जानते हैं वो वीडियो को स्किप कर दे, और जो नया लोग हैं, ये वीडियो मैंने रिक्वेस्ट के पर्पज़ बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा रिक्वेस्ट है मेरे पास कि बायस को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो बिल्कुल नया है और इस लाइन में नया है, चिप लेवल में जो काम कर रहा है वो सीखना चाहते हैं, तो सोचा उनके लिए एक वीडियो बनाया जाए। वीडियो ऐसे बहुत है यूट्यूब में अवेलेबल, फिर भी रिक्वेस्ट है इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस बोर्ड को पहले देखते हैं इसका कंडीशन क्या है, फिर जाके हम बायस को रीप्रोग्राम करेंगे। और कैसे करेंगे ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। और जो नया है, फ्रेशर है, वो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर स्किप कर देंगे 2 सेकंड भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा वो बात सुनना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखने से ज़्यादा सुनना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने भी सुन सुन के ही सीखा है, क्योंकि हमारा जो क्लास दिया जाता था वो दिखाने से ज़्यादा लिखा के सिखाते थे। तो आप भी वीडियो को स्किप ना करें, जो मैं बोलता हूँ वो सुने, ठीक है। देखने को क्या जाता है, देख के तो आप कहीं भी देख सकते हो, यूट्यूब में लाखों वीडियो है ऐसे देख सकते हो आप, लेकिन सुनना है, ठीक है। तो चलो पावर दे रहा हूँ, अब इसको एक डिबग कार्ड भी डाल देता हूँ। चलो डाल दिया, अब हम इसको स्विचिंग करेंगे, ठीक है। ये है फ़ॉन्ट पैनल, देखो मैंने स्विचिंग कर दिया। 00 कोड है, हाई रीसेट है, कोड का कुछ वेरिएशन नहीं है। बोर्ड में तो डिस्प्ले डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हाई रीसेट ब्लिंक कर रहा है लाइट। तो इसका हम बायस को रीप्रोग्राम करेंगे। तो इसे ऑफ करते हैं, इसे भी खोल देते हैं। तो इसका बायस चिप जो है ये रिमूवेबल है, ये बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि शोल्डरिंग करना नहीं पड़ेगा आपको। और एक बात मैं बताऊँ, ये इस टाइप का अगर चिप हुआ तो आपको शोल्डरिंग करना पड़ता है, पहले इसे निकालना पड़ता है, फिर प्रोग्रामर में बिठाना पड़ता है, फिर प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो इस चिप के बारे में भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे हम। तो पहले जो टॉपिक है इस बोर्ड के ऊपर, तो कैसे हम करेंगे इसे हम देखेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस चिप को बोर्ड से, ये नोस प्लस आपको होना चाहिए, एक ज़्यादा प्राइस नहीं है, 100 रुपये में मिल जाएगा, ऐसे उठाएंगे, ठीक है। बोर्ड को साइड कर देते हैं, ये फर्स्ट स्टेप गया। सेकंड स्टेप जो है, आपके पास एक प्रोग्रामर होना चाहिए, ठीक है। और ये है, मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला प्रोग्रामर आपके पास अगर हो तो बहुत ही अच्छा, आप काम में तरक्की कर सकोगे, ठीक है। इससे भी बेहतर है, ये कंपनी का ही है, ये आईफिक्स का है। तो इसके अंदर एक प्रोग्रामर है और कुछ सॉकेट वगैरह होता है, ठीक है। आप अगर परचेस करेंगे तो आपको भी ऐसा मिलेगा, और ये इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 2500 या 3000 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सॉकेट के बारे में बाद में बात करेंगे, जो ये चिप है, जो इस वाला चिप है, इसके लिए सॉकेट लगता है, ठीक है। तो वो भी हम बोलेंगे, वीडियो को स्किप ना करें, और सीखना है तो प्लीज़ ध्यान से देखें। तो ये है प्रोग्रामर, इस प्रोग्रामर में एक सिम्बल है यहाँ पर, जो इसका कटिंग साइड है, नीचे है। और इस प्रोग्रामर के ये जो एक लॉक है, इस लॉक को पहले आपको ऐसे उठाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो चिप है, चिप में भी एक नोट दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप,
देख सकते हो यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ये नोट को हम नीचे की तरह रखेंगे, ऐसे पकड़ेंगे प्रोग्रामर को और ऊपर में ऐसे चिप को ऐसे बिठाएंगे और फिर जाके ये जो लॉक है इस लॉक को लॉक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये केबल आता है उसके साथ, ये प्रिंटर वाला केबल, ये केबल आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। ये लाइट ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, और आपको जाना है सिस्टम पे, ठीक है। तो चलो सिस्टम पे जाते हैं हम। यह सिस्टम और इसका जो ऐप्स है ये आईफिक्स का है, ये मैंने ओपन कर दिया, यस कर देते हैं। इसके साथ आपको सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा लेकिन ऑनलाइन में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपन कर दिया। तो अब ये जो है स्मार्ट आइडेंटिटी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली ये चिप जो है ये चिप को ये ऑब्जर्व कर लेता है कि इस चिप में क्या है, इसका मॉडल नंबर क्या है, कौन सा फाइल है। पहले ही आपको स्मार्ट आइडेंटिटी पे क्लिक करना है, आइडेंटिटी पे, ठीक है। उसके बाद जाके मैं एक और बात बता दूँ, आपके पास जो भी बोर्ड आए अगर आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बायोस स्टॉक करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बायोस अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर बायोस ऑनलाइन का जो बायोस है ऑफिशियल वेबसाइट में जो मिलता है वो बस कभी कभार काम नहीं करता है। तो आप कृपया करके जो भी बोर्ड आए आपके पास रिपेयरिंग के लिए वो अगर सही हो जाए आपके हाथ से, अगर बायस का प्रॉब्लम नहीं है, कोई अलग प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करें कि उसका बायस जो है उसको रीड करके रखें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बायस को आपको स्टॉक करना है, फिर जाके आपको काम करने में आसानी होगा। मेरे पास करीब 200 GB तक है बायस स्टॉक, लैपटॉप का, डेस्कटॉप का लेके, इसलिए मेरा तो दिक्कत नहीं है। तो फिर हम जाते हैं स्मार्ट आइडेंटिटी, मैंने क्लिक कर दिया स्मार्ट आइडेंटिटी पे। उसके बाद जाके आपको रीड करना है, अगर आपको इस बायोस को कॉपी करना है, रखना है, क्योंकि रखना पड़ता है, कभी कभार कस्टमर का इशू होता है, बोर्ड पहले जैसा था वैसा कर दो, इसीलिए अगर रिपेयरिंग ना करे तो आपको पहले रखना पड़ेगा। तो इस रीड पे क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीड होगा और ये सेव ऑप्शन मांगेगा, ऐसा एक विंडो आएगा। तो आपको यहाँ पर एक नाम देके कई भी जगह पे आपको सेव कर लेना है। फिलहाल मैं अभी सेव नहीं कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, मुझे तो बस इस बायस को रीप्रोग्राम करना है। तो उसके लिए मुझे जाना है ओपन पे, ओपन पे क्लिक कर दिया। अब जाके मुझे जिस ड्राइव पे मेरा बायस है, ये SSD पे मैंने रखा है, मदर ऑल मदरबोर्ड बायस और ये ऑल लैपटॉप मदरबोर्ड बायस, देख सकते हो आप। तो मैं डेस्कटॉप पे जाना है मुझे, मैं डेस्कटॉप ओपन किया, यहाँ पर सारा का सारा बोर्ड है, जितना भी मदरबोर्ड है सारा बायोस स्टॉक है मेरे पास। तो मैं आसूस पे जाना है, ठीक है, आसूस पे मैं चला गया। अब इसका मॉडल नंबर है P5K PLCM, तो मुझे ढूंढना है P5K PLCM, ये मिल गया P5K PLCM, ये वाला मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर एक बायस रखा था मैंने किसी पहले एक बोर्ड से रीड करके रखा था, रेडी बोर्ड था, जेन्युइन बायस है ये, इसे मैंने ओपन करना है, ठीक है, ओपन कर दिया। अब सिंपली ये जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर राइट करना है। चलो राइट होना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, करीब 2-3 मिनट लगता है, छोटा बायस हुआ तो 1 मिनट में हो जाता है, राइट कर रहा है। अब ये जो राइट हो रहा है, ऑटो वेरीफाइंग हो रहा है अभी, ये चलो हो गया, ओके मैसेज आया, ये सक्सेसफुली राइट हो गया। ये राइट हुआ कि नहीं ये देखने के लिए आपको बुफर में क्लिक करना पड़ेगा, ये बुफर पे आपने क्लिक कर दिया, ये देखिए ये जो है इसका कुछ लिखा हुआ है, ये बाइनरी में आपको समझ नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आता है इसका वर्ड, ये जो रीड हुआ है आपको देख के ही पता चलेगा, देख सकते हो आप, यहाँ पर रीड हुआ है सारा के सारा, यहाँ पर खाली है FF पोर्ट है, इसके नीचे भी रीड हुआ है। तो जेन्युइनली हम ओके कर देते हैं, उसके बाद इसे हम क्लोज करते हैं। अब आते हैं बोर्ड पे, चलो अब आते हैं बोर्ड पे, मैंने स्टैंड को रखना है अच्छी तरह से, रख दिया। अब ये जो प्रोग्रामर था इसे मैंने ये खोल दिया मैंने, वैसे सिंपली मुझे ट्विजर या किसी के हेल्प से इस लॉक को ओपन करना है, ये अपने आप हाथ में चला आएगा ऐसे। अब बोर्ड पे आते हैं,
ये जो बोर्ड था, इस बोर्ड के ये जो नोड है आप देख सकते हो, यहाँ पर एक नोड है और बायस का भी यहाँ पर एक नोड है। तो ऐसे बस आपको इंसर्ट करना है, ध्यान रहे कोई पिन टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैंने लगा दिया, अब मैं डिबग कार्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डिबग कार्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ, अब SMPS का पावर दे रहा हूँ और बोर्ड को स्विचिंग करूँगा, ठीक है। अब मैं बोर्ड को स्विचिंग कर दिया, कोडिंग चेंज होने लगा है, चेंज होने लगा है, मतलब ये काम सक्सेसफुल रहा। बायोस प्रोग्राम जो मैंने किया रीप्रोग्राम, ये 0-0 आ गया, इसका डिस्प्ले भी आ चुका है मेरे ख्याल से। चलो एक बार देख भी लेते हैं। तो ये मेरा VGA पोर्ट किधर का, ये वाला, ये लगा दिया मैंने और स्विच दे दिया। चलो डिस्प्ले इसका आ गया, देख सकते हो ये बूट डिवाइस मांग रहा है। तो एक बार रिस्टार्ट करते हैं इसको, एक बार मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ इसको, आपको दिखेगा। रिस्टार्ट कर दिया, सॉरी इसे ऑफ ही कर दिया मैंने, एक सेकेंड, फिर से ऑन कर दिया। कोड का वेरिएशन हो रहा है, देख सकते हो आप, डिस्प्ले इधर चला गया पर आ जाएगा, अभी डिस्प्ले आ गया, अमेरिकन मिगाडियन दिखा रहा है, डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे बायस को रीप्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। और मैंने बताया था छोटा चिप को कैसे करना है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। तो इस बोर्ड में फिलहाल डिस्प्ले आ चुका है, तो बोर्ड में डिस्प्ले आए ना आए ये टॉपिक नहीं था, टॉपिक था बायस को कैसे रीप्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो मैं बोर्ड को ऑफ कर रहा हूँ, अभी डिबग कार्ड को खोल रहा हूँ, बोर्ड को साइड कर देता हूँ मैं, बोर्ड को मैंने साइड कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब आते हैं इस चिप पे, ये चिप पे, ठीक है। ये चिप को आप कैसे इंसर्ट करोगे इस प्रोग्रामर पे, तो आपको ये प्रोग्रामर जो है इसमें सॉकेट आता है, ठीक है। मैं दिखा रहा हूँ कहाँ रखा, ये रखा मैंने, इस पे ऐसे कुछ सॉकेट आता है जो कॉमन सॉकेट है, जो हर काम आपको इस एक सॉकेट में मिल जाएगा। ये 200 से 209 मिली तक है, ये सारा बायस इसमें सपोर्ट ले लेता है। और ये एक है इससे छोटा वाला, ठीक है, जो इसका लिखा हुआ है ये कितना मिली है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये उससे भी छोटा है, ठीक है, दिखा नहीं रहा है सॉकेट, ये 150 मिली का है, ठीक है, इसे रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, इस साइड पे इसका नोड है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर ये ऐसे बैठेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बैठेगा, मतलब ये जो है ऐसे आपको ऊपर के साइड में, ये ऊपर के साइड में ऐसे आपको बिठाना है, बिठा के इसे लॉक करना है। और फिर एक ट्वीज़र लेना है, ट्वीज़र लेने के बाद मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो इस बायस में भी एक नोड है, दिख नहीं रहा है, ब्लार हो रहा है कैमरा में, अब दिख रहा है, इस बायस में इस साइड में एक नोड है, ठीक है, इस साइड में, तो ये वाला साइड नीचे रहेगा, ठीक है, राइट साइड में, और नीचे रहेगा ऐसे, अब देख सकते हो, ऐसे करके इसके इसे दबाना है, फिर यहाँ पर डालना है और इसे छोड़ देना है। और ये जो केबल है, इस केबल को वैसे ही इसमें इंसर्ट करना है, लाइट ब्लिंक करेगा, उसके बाद सेम प्रोसेस है इस चिप को भी रिप्रोग्राम करने का, पहले जो मैंने किया प्रोसेस एक ही है, बस चिप को ऐसे एडाप्टर के साथ बिठाना पड़ता है, ठीक है। तो चलो अब तक के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो देख के कोई कुछ सीखे या ना सीखे, एक इंसान है जो पूरा सीख चुका है, और अगर नेक्स्ट टाइम कोई काम आएगा तो वो डेफिनेटली कर देगा, और वो कौन है मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ वो इधर ही देख के बैठा है। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ वो है, ये हमारा बिट्टू है, देख सकते हो ये पूरा सीख चुका है, ठीक है, आ जाओ बेटा, ये वीडियो पूरा सीख चुका है, और ये नेक्स्ट टाइम जब काम आएगा तो डेफिनेटली ये कर देगा,
ठीक है, तो लव यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, लव यू ऑल।